पाठशाला में अब आपको इजिप्ट के पिरामिड के अंदर लेकर चलता हूं। इन पिरामिड में जब कैमरा गया तो क्या क्या चौंकाने वाली चीजें मिली, आज जरा देखिए। आप सबने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुना होगा जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। हम सब ने पिरामिड की तस्वीर तो देखी है। कितने लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, अरे यार बहुत सुंदर पिरामिड लग रहा है, जाके देखना है एक बार। इन पिरामिड्स की तस्वीर भी आपने देखी होगी। आज आपको दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड के अंदर भी लेकर चलूंगा। पिरामिड का एक एक कोना आपको अंदर से दिखाऊंगा, साथ ही आपको पिरामिड्स की कहानी भी बताऊंगा कि ये पिरामिड थे क्या। आज उस राजा और उसकी एक मम्मी के बारे में बताऊंगा। मम्मी मतलब माता जी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी वो जो लपेटे रहते हैं, वो राजा जो 9 साल की उम्र में राजा बना और 18 साल में मर भी गया, लेकिन उसकी मम्मी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इजिप्ट में बने सारे पिरामिड में से गीजा का पिरामिड काफी मिस्टीरियस माना जाता है। ये सबसे बड़ा पिरामिड भी है। अब आपको गीजा के पिरामिड को अंदर से दिखाता हूं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गीजा के पिरामिड का वर्चुअल टूर तैयार किया है। मतलब आप घर बैठे बैठे इस पिरामिड के अंदर जा सकते हैं। इसके जरिए पिरामिड का कोना कोना देखा जा सकता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको उसके अंदर पिरामिड के अंदर जाएंगे तो कैसा दिखेगा, यही दिखेगा बॉस, एग्जैक्टली यही। इस एनिमेशन या वीडियो में आप गीजा के पिरामिड के अंदर के हिस्से को देख रहे हैं। पिरामिड के अंदर कैसे भूल भुलैया जैसे रास्ते बने हुए हैं, कई फ्लोर बने हुए हैं जिन पर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई हैं, बेहद संकरी सुरंग जैसे रास्ते भी बने हुए हैं जिनसे होकर उन कमरों तक पहुंचा जा सकता है जहां राजाओं के लिए सामान रखा जाता था। मतलब पिरामिड के अंदर अलग अलग फ्लोर है, कमरे बने हुए हैं, मूर्तियां जैसी दिख रही हैं। आप देखिए वहां पर बकायदा रूम दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है टनल जैसा, सीढ़ी अभी ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, सब कुछ है पिरामिड के अंदर। जो आप बाहर से देखते हैं बस ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय आकृति है। इन्हीं कमरों में राजाओं की मम्मी ताबूत रखे जाते थे। अच्छा, पिरामिड में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी कमरे बनाए जाते थे जहां पर उनके शव को रखा जाता था। पिरामिड के अंदर दीवारों पर राजाओं की विशाल प्रतिमा भी लगाई जाती थी। दीवारों पर कलाकृतियां भी बनाई जाती थी जिन पर मौत के बाद के जीवन को दर्शाया जाता था। मतलब पिरामिड अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां प्राचीन इजिप्ट के राजाओं और उनके राज आज भी दफन है। इजिप्ट दुनिया के सबसे पुराने देशों में से, इसकी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। इजिप्ट के राजाओं को फराओ कहते थे, फराओ हमने यार या राजा कहते हैं, वह फराओ कहते थे। और जितने भी पिरामिड इजिप्ट में बनाए गए हैं वो फराओ यानी राजाओं की कब्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजाओं की कब्र है। लेकिन कब्र के लिए पिरामिड क्यों बनाते थे, ये आपको जानना चाहिए। इजिप्ट के राजाओं को उम्मीद होती थी कि मौत के बाद वो देवता बन जाएंगे और इसी की तैयारी के लिए इजिप्ट के राजाओं ने मंदिर बनवाए और खुद के लिए बड़े बड़े पिरामिड तैयार करवाए। इन पिरामिड्स में वो सारी चीजें होती थी जो मौत के बाद उनको लगता था कि काम आएंगी। मतलब उनको मौत के बाद की जिंदगी पर भरोसा था और इसलिए सारा सामान पिरामिड के अंदर रख लेते थे, कमरा वमरा बना के, परिवार के लोगों को भी वहीं कि सब एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी, और जो जो सामान चाहिए होगा सब मिलेगा। इन पिरामिड्स में राजाओं की जरूरत का सारा सामान होता था, यहां तक कि राजाओं का खजाना भी पिरामिड में रख देते थे कि ये वहां भी इस्तेमाल करेंगे। राज परिवार के सदस्यों के लिए भी पिरामिड बनाए जाते थे। इजिप्ट में उस समय राजाओं का मानना था कि त्रिकोण नुमा पिरामिड के सभी कोने बराबर होते थे। यहां एक खास तरह की ऊर्जा आती थी जिससे पिरामिड में रखे शव लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। प्राचीन इजिप्ट पर लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया और इनमें कुल मिलाकर 170 राजाओं ने शासन किया। सभी राजाओं ने अपने लिए कब्र यानी पिरामिड बनवाई थी। अभी तक इजिप्ट में 138 पिरामिड का पता चला है जिनमें गीजा शहर में राजा कूफू का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इसे ही गीजा का पिरामिड कहते हैं और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। इजिप्ट के पिरामिड्स के रहस्य का आज तक पता लगाया जा रहा है। पिरामिड में रखी न जाने कितनी ममीज आज तक मिल चुकी हैं और सबसे प्रसिद्ध ममी है 9 साल के राजा तूतन खामेन की, जो इजिप्ट का दूसरा सबसे छोटा राजा था। तूतन खामेन इजिप्ट के 18वें राजवंश का 11वां राजा था। 9 साल की उम्र में तूतन खामेन को राजगद्दी मिल गई थी। 9 साल तक शासन करने के बाद तूतन खामेन की मौत हो गई।
यानी 18 साल की उम्र में। तूतन खामेन के बारे में कहा जाता है कि उसके पास रहस्यमयी ताकतें थी। तूतन खामेन का मकबरा इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स में बनाया गया था। तूतन खामेन का इजिप्ट के लोग देवता मानते थे। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतन खामेन की कब्र खोजी थी। कब्र के अंदर एक कमरे में तूतन खामेन का ताबूत भी मिला। ताबूत खोला तो उसके अंदर एक और ताबूत मिला। उसे खोला तो उसके अंदर सोने का ताबूत मिला जिसके अंदर तूतन खामेन की मम्मी थी। लगभग 3000 साल के बाद भी तूतन खामेन की मम्मी एकदम सुरक्षित थी और उस पर तेल लगा हुआ था। तूतन खामेन की कब्र के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। जैसे जब 1922 में कब्र को खोदने का काम चल रहा था तो मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत हो गई। कब्र खोदने के मिशन पर पैसा लगाने वाले ब्रिटिश अरबपति लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मच्छर काटने से मौत हो गई। इन सारी मौतों का कारण तूतन खामेन का श्राप का नतीजा बताया गया था। लेकिन पाठशाला में एक ये घंटी भी बज जाती है, टन 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 बज गई घंटी। तो आज की पाठशाला में यहीं तक।